तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल सर्वर। अब इस लाइक ऑपरेटर का काम क्या होता है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कुछ चीजें हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी, वो थोड़ी पढ़ लो। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। अब आप लोगों ने पहले वेयर अप्लाई किया हुआ है, हम जब भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड सिलेक्ट करते हैं तो किस तरह लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम का नाम ये है और आपकी उसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास एक टेबल है, इससे डेटा आप सर्च करना चाहते हैं, ये वाली टेबल मैं इसको कॉपी करता हूं, नीचे क्वेरी लिखता है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट्स वेयर नेम इज इक्वल टू, आप कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा टेल कि वो प्रोडक्ट उठा के लाओ जिसका नाम क्या है, टेल है, तो स्पेसिफिक वैल्यू जो भी मिली एग्जैक्ट वैल्यू उठा के उसने डिस्प्ले कर दी। लेकिन अगर मैं डेल के अंदर एक एल देता हूं और उसके बाद सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहां पर देखें क्या आ रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। लेकिन YouTube पे, Google पे या किसी भी तरह की वेबसाइट पे जाके आप गलत भी कोई चीज लिखते हैं वो आ जाती है ऊपर, ये कैसे आ जाती है? यानी आपका एक होता है एग्जैक्ट मैच, एक होता है अप्रोक्सीमेट मैच, कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी उससे मिलते जुलते डेटा को आप उठा के लाओ, यानी जो डेटा का पहला लेटर ये हो, लास्ट लेटर ये हो, इस तरह से आप चीजें दे सकते हैं। तो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, अब लाइक ऑपरेटर एक्चुअल में यूज ही इसीलिए होता है कि आप किसी भी कॉलम पे क्या अप्लाई करें कि उसके अंदर कोई ना कोई सिमिलर डेटा अप्लाई हो जाए। अच्छा, अब मैं चाहता हूं जो नंबर ऑफ समलने के प्रोडक्ट्स जिनका नाम डी से शुरू होता है या जिनके अंदर डी एल मिडिल में आए, स्टार्ट में आए, एंड में आए, वो हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाए, फेच हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं देन वी हैव टू यूज अ लाइक ऑपरेटर। हम किसको यूज करेंगे बेटा, लाइक ऑपरेटर को। अब लाइक ऑपरेटर को लिखने का तरीका कुछ नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स के साथ होता है। आप नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स के साथ लाइक ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। एक होता है परसेंट, परसेंट सिंबल क्यों यूज करते हैं, यहां पर पढ़े द परसेंट साइन रिप्रेजेंट्स जीरो वन और मल्टीपल कैरेक्टर्स। यानी आप परसेंट की सिंबल क्यों लगाते हैं कि आपका एक या जीरो या मल्टीपल कैरेक्टर जहां पे मिले वो आपका क्या हो जाए, फेच हो जाए डेटा। चले मैं इसको करके दिखा देता हूं किस तरह से। आप क्या करते हो, सिलेक्ट फिर कॉलम का नाम, फिर दूसरे कॉलम का नाम, आप चाहें तो सारे रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं स्टार लगा के, फिर फ्रॉम, फिर उसके बाद टेबल का नाम, फिर वेयर और कॉलम का नाम। अब कॉलम के बाद आप इज इक्वल टू का ऑपरेटर देते थे और उसकी कोई वैल्यू देते थे, यही था। अब हम लाइक लगा के उसके बाद पैटर्न दे देंगे, क्या दे देंगे, पैटर्न। अभी अगर आप नीचे आए तो किस तरह से क्वेरी अप्लाई होगी, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो। अब लाइक ऑपरेटर हमारे पास कुछ इस तरह से काम करेगा कि अगर आपने कोई अल्फाबेट लिखा और इस तरह से आप वैल्यू दे रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा वेयर नेम इज इक्वल नहीं, अभी अब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे वेयर नेम, उसके बाद आपने कहा लाइक और आपने इस तरह से वैल्यू प्रोवाइडेड। अब अगर आप परसेंट की सिंबल पहले देते हैं तो क्या होता है, या आप बाद में देते हैं तो क्या होता है, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एज अ पैटर्न है, ये क्या है बेटा, पैटर्न है। यानी आपने कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता दिए कि सर्च करो किस टेबल से जिसका नाम टीबीएल प्रोडक्ट्स है, क्या सिलेक्ट करना है डेटा, नाम के कॉलम के हिसाब से, सही है। यानी जहां पे प्रोडक्ट्स का नाम लाइक होता है ना, कि आपको अगर कोई चीज बोली जाए कि आप चीज खरीद के लाओ, अब आपको आइडिया नहीं होता, आप क्या करते हो। अच्छा जी, अब हमारे पास यहां पे आपने क्या कहा कि ये एक पैटर्न है, परसेंटेज की सिंबल बाद में दे दी। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, डेल आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, वजह क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डी एल भी नहीं लिखता, सिर्फ डी लिखता हूं और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं,
फिर भी आ रहा है बेटा हमारे पास। जब आपने फॉर एग्जाम्पल गूगल पे आप गए, आपने कुछ भी चीजें लिखना शुरू की, HTML, सही है। यहां पे देखो हमारे पास उसकी हिंटिंग आ रही है ना, ये लाइक ऑपरेटर के हिसाब से जो पहले कैरेक्टर है ना उनको देख के वो डेटा उठा के लाता है। कौन सा क्लियर हो गया? यानी जब आप कोई सर्चिंग करते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल लिखना है कि वॉट इज HT, सही है। तो देखो बहुत सारे हिंटिंग आ रहे हैं ना, ये गूगल के डेटाबेस से क्या क्या आ रहा है, HTTP, HTTPS, HTML, है ना। तो ये डेटा कैसे आ रहा है, जो पहला कैरेक्टर आपने दिया उसके हिसाब से फेचिंग हो रही है, लाइक ऑपरेटर इस तरह यूज होता है। कौन सा क्लियर हो गया? कि डेटा लाइक समथिंग लाइक दिस होता है ना, इसी तरह आपका लाइक ऑपरेटर काम करता है और यहां पर भी वही कर। अब परसेंटेज की सिंबल बाद में दी, इसका मकसद जो कैरेक्टर पहले आएंगे, समझ में आ रहा है, जो कैरेक्टर पहले आएंगे डी से उनको फेच करके लाओ। तो डेल डी से शुरू होता है। अब अगर इसको मैं कहता हूं जो कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं, सॉरी एंड होते हैं ए से, वो लाओ। तो परसेंटेज की सिंबल पहले और वो नंबर ऑफ कैरेक्टर बाद में। तो तोशिबा के लास्ट में क्या है, ए है ना। तो आप इस तरह से लाइक अप्लाई करते हैं कि आपको पहले कैरेक्टर के हिसाब से, पहले दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, 15 कैरेक्टर के हिसाब से डेटा फिच करवाना है तो आप कर सकते। कौन सा क्लियर हो गया? तो उसने क्या कहा था, परसेंटेज सिंबल के लिए एक कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर या जीरो कैरेक्टर भी दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी इसको इस तरह से लिखा, सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो सारा डेटा आ रहा है ना। कौन सा क्लियर है? तो जीरो कैरेक्टर दो तब भी परसेंटेज की सिंबल काम करेगी, एक कैरेक्टर दो तब भी काम करेगी, मल्टीपल कैरेक्टर दो तब भी काम करेगी। कौन सा क्लियर? चाहे वो मल्टीपल कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर परसेंटेज के पहले हो चाहे वो बाद में। अच्छा सेकेंड थिंग, अगर आप परसेंटेज दो बार देते हैं, क्लियर, परसेंटेज की सिंबल दो बार देते और आपने बीच में लिख दिया ई, क्या लिख दिया बेटा ई, और अब आप इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हो रहा है, जिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में कहीं पे भी स्टार्ट मिडिल लास्ट, स्टार्ट के एक कैरेक्टर के बाद जहां जहां ई मिलेगा, जिस कैरेक्टर या वर्ड में मिलेगा वो उठा के दिखा दे। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल रिकॉर्ड जो थे उनमें किस किस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ई नहीं है, पढ़े OI में ई है नहीं है, एक ये वैल्यू आईफोन में ई है नहीं है, दो में नहीं है ना, अच्छा आईफोन में है, उसके अलावा कौन है, सैमसंग में नहीं, राइट। तो हमारे पास तीन रिकॉर्ड आ रहे थे और बाकी जो आपके दो रिकॉर्ड है वो नहीं आ रहे क्योंकि उनके अंदर ई नहीं है, ना स्टार्ट में, ना मिडिल में, ना लास्ट में। तो हम इस तरह से भी सर्चिंग कर सकते हैं विथ परसेंटेज सिंबल। ये परसेंटेज सिंबल इज अ वाइल्ड कार्ड है, क्या है ये, वाइल्ड कार्ड है, जिसको हम कहते हैं कि ये इज अ पैटर्न डिफाइंड करने के लिए यूज करते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? सही है। उसके बाद हमारे पास कुछ और है वाइल्ड कार्ड जो हम यूज करते हैं, इनको यहां पर पढ़ लेते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास था कि आप इस अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हैं, किसको, अंडरस्कोर को। अंडरस्कोर कैसे काम करता है, द अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर, किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कैरेक्टर को। अब फॉर एग्जांपल आप सर्चिंग करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, मैं यहां आता हूं और आपने कहा परसेंटेज, अब डेल में कितने कैरेक्टर है बेटा, 4 कैरेक्टर है ना, तो मैं इसको सिर्फ ये कहता हूं एक बार अंडरस्कोर, दूसरी बार अंडरस्कोर, तीसरी बार अंडरस्कोर और चौथी बार अंडरस्कोर। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करता हूं तो सिर्फ क्या दिख रहा है, डेल दिख रहा है ना। तो आपके अगर कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर है तो अंडरस्कोर के साथ आप बता दो कि 5 कैरेक्टर वाला नाम उठा लो। कौन सा क्लियर हो गया? या फिर इस तरह से भी बता सकते हो कि आपके टोटल कैरेक्टर 4 हैं, पहला कैरेक्टर कौन सा है, टी है,
और ये स्टार्ट में चेक करना है, किसमें चेक करना है, स्टार्ट, तो ये दोनों को मिला के भी यूज कर सकते हैं कि जिस कैरेक्टर का स्टार्ट में क्या है डी है और टोटल कितने कैरेक्टर है, चार है, एक हमने लिखा है, तीन हमारे हिडन है, कौन सा क्लियर हो गया। इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक है जिसको हम कहते हैं जो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये वाइल्ड कार्ड किस तरह से काम करता है इसका मैं थोड़ा सा साइंटिक समझा देता हूं किस तरह से काम करता है। ये देखिए यहां पे आ जाए, ये यहां पे भी क्यूरीज आपको मिलेंगी। अच्छा, अब आपका यहां पे इसका एग्जांपल नहीं, मैं करवा देता हूं किस तरह से होता है। ये कॉपी दिस, पेस्ट दिस, ओके। अब आपको पता है कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर जो इस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर यहां पे आते हैं और आपने इसको कहा लाइक और उसके बाद कितने कैरेक्टर है, आपने कहा कि भाई स्टार्ट होते हैं जो नंबर ऑफ, यानी मल्टीपल वैल्यूज के लिए ये यूज कर देते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है मल्टीपल वैल्यूज के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्ट होता है डी से वो आ जाए कॉमा, दूसरा कोई ऐसा आईफोन आई से शुरू होता है ना बेटा, सही है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास, तो क्या आ रहा है देखिए, यानी पहले हम सिर्फ एक ही आपका स्पेसिफिक वैल्यू का पैटर्न दे सकते थे, अब अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज का पैटर्न देना है तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला वाइल्ड कार्ड यूज करो, उसके अंदर हर कैरेक्टर का देखिए परसेंटेज मैंने बाद में दी, यानी जो कैरेक्टर पहले आप देंगे, सही है, यानी इन नंबर ऑफ आपकी नाम की वैल्यू से मैंने जिस वैल्यू में क्या मिलेगा डी मिलेगा और जिस वैल्यू में क्या मिलेगा पहले आई मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज की सिंबल मैंने कहां दी बेटा एंड में, यानी परसेंटेज की सिंबल एंड में दोगे तो वो पहले पहले कैरेक्टर उठाएगा सबके सब वैल्यूज के, चाहे वो एक कैरेक्टर दो चाहे वो दो कैरेक्टर या तीन तीन भी दे सकते हो। सपोज आपने लिखा सैमसंग SAM, इसके तीन कैरेक्टर दिए, डेल के कितने लिखे डी, सही है, तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आ जाएंगे दोनों। कौन सा क्लियर है बेटा कि आप चाहते हैं जिन नंबर ऑफ वैल्यूज के अंदर डी पहले आता है या SAM पहले आता है वो नंबर ऑफ वैल्यूज हमें फेच करके दे दे, और उसके अलावा परसेंटेज की सिंबल हमने बाद में दी, इसका मकसद हर आपके वर्ड का पहला जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का सेट होगा वो जाके ढूंढेगा, उसी से चीजें आपकी फेच करके दिखा देगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज की जो एंड की वैल्यूज हैं उनको आप फेच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सपोज यहां पे मैं परसेंटेज की सिंबल अब पहले देता हूं, यानी जिन नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर लास्ट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, तो यहां पे BA एज अ तोशिबा के अंदर है, उसके बाद हमारे पास है हुआ है के अंदर AI लास्ट में है, इसी तरह हमारे पास डेल के अंदर लास्ट में L है, तो मैं इसको यहां पे सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखें हमारी तीन वैल्यूज आ रही है, कौन सा क्लियर। अब आप चाहते हो नहीं ऐसा ना हो, आप चाहते हैं कि इन तकरीबन वैल्यूज के जो मिडिल में स्टार्ट में एंड में कहीं पे भी कैरेक्टर मिले वो फेच करके बता दे, तो आप क्या लिखेंगे कि जिन नंबर ऑफ वैल्यूज के अंदर स्टार्ट में एंड में मिडिल में कहीं पे भी ए बी और सी मिले वो हमें फेच करके दिखा दो। तो देखिए ABC आपको इन तीनों जो है इसमें मिलेगा कहीं ना कहीं, स्टार्ट में एंड में या मिडिल में, कौन सा क्लियर हो गया बेटा, सही है। जैसे हमारे पास और भी वैल्यूज हो तो आप उनके ऊपर ये वाइल्ड कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये आपको लाइक ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा।